हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, kawals.com से मैंने इसको ब्यूटी इन बजट कर दिया है। अच्छा, आज जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ वो है मैनीक्योर या हाथों की सफाई। आप कर लें, उसमें जो स्टेप वन आता है वो आता है क्लेंजिंग का स्टेप, कि हम अपने हाथों को क्लेंज करेंगे। क्लेंज करने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक का क्लेंजिंग मिल्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम अच्छे से अपने हाथों को क्लेंज कर लेंगे, ये होता है मैनीक्योर का स्टेप वन। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। नाउ स्टेप टू, वो होता है स्टीम करना। स्टीम के लिए जो है मैंने पानी जो है वो बिल्कुल नीम गरम कर लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद शैम्पू ऐड किया, ये 1 टीस्पून के करीब है, उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड। पानी का जो गर्माइश है वो इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सके। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों को उनसे साफ़ करेंगे और उनमें डिप करके रखेंगे और साफ़ करते जाएंगे। ये तकरीबन प्रोसेस हम 10 मिनट तक करेंगे। इससे हमारे स्किन में जो भी डर्ट वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है। हाथों को स्टीम आती है तो वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, और जब वो हाथ नरम हो जाते हैं तो उनमें से जो डर्ट है निकालना बहुत ईजी हो जाता है। स्टेप 3, रिमूविंग डर्ट। अब जो डर्ट है वो हमने रिमूव कर लिया। अब ये मेरे पास टूल्स हैं जो मैनीक्योर के मिलते हैं, ये बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे, विद इन 100 रुपीज़ ही आपको मिल जाएंगे। और ये मेरे पास कॉटन की जो है वो स्ट्रिप्स हैं जिनसे मैं डर्ट को रिमूव करती जाऊँगी। नाखूनों से जितना भी कचरा होगा वो निकालेंगे। वैसे नाखून बहुत बड़े होते हैं तो उनको फाइल करना पड़ता है, लेकिन मेरे नाखून इतने बड़े नहीं हैं, मैं नहीं रखती हूँ, तो हल्का हल्का सा जो भी कचरा आता है वो हम निकालते जाएंगे और कॉटन स्ट्रिप की से मदद से उसको साफ करते जाएंगे। और अपने हाथों को साफ कर लेंगे। दिस इज अ डेमो। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाता है स्टेप 4, वो आता है ब्लीच। ब्लीच में जो है मैं पीच ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ब्लीच है अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जब हम हाथों पे ब्लीच यूज़ करते हैं तो जो साशे होता है वो पूरा का पूरा उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने पीच ब्लीच जो है इसमें वो डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 टीस्पून के करीब। हाथों पे हम ब्लीच कर रहे हैं इस वजह से, ये सलून स्टाइल ब्लीच मैनीक्योर है जो हाथों पे करते हैं। हम अपने पार्लर्स में या सलून्स में इसी तरीके से करते हैं। अब हम अपने हाथों को साफ करके इन पे ब्लीच अप्लाई करेंगे और इसको टिल 15 मिनट्स तक हम या 20 मिनट्स तक अपने हाथों पे रहने देंगे। स्टेप 5, रिमूविंग ब्लीच। अच्छा, और इसको हम क्लेंस करेंगे। ब्लीच जो है मैं उसी वाटर में जो है क्लीन कर रही हूँ जो पानी जो है मैंने स्टीम के लिए यूज़ किया हुआ था। ब्लीच के बाद ही हाथ थोड़े साफ हो जाते हैं। बाकी जो हम लोग स्क्रबिंग, क्लेंजिंग और क्लीनिंग करते हैं उससे हाथ जो है वो सॉफ्ट होते हैं। अब मेरे पास मॉइस्चराइज़र है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उससे मैं अपने हाथों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करूँगी, क्योंकि ब्लीच जो है स्किन में ड्राइनेस पैदा करता है और मेरे हाथों में भी ड्राइनेस हो रही थी, तो इस वजह से मैं इसको जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए मसाज करके फिर उसी पानी में डिप करके हम जो है क्लेंजर निकालेंगे। स्टेप 6 में आता है स्क्रबिंग। आपके पास जो भी स्क्रब अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्क्रब को जो है हम अच्छे से अपने हाथों पे मसाज करेंगे 2 या 3 मिनट्स के लिए। स्टेप 7 आ जाता है मैनीक्योर का
कि हम लोग स्क्रब जो है वो रिमूव करेंगे। ये देखें हाथ कितने साफ हो चुके हैं, और ये फौरन साफ नहीं होंगे, एक दिन का टाइम इसमें लगेगा इसको ज्यादा साफ होने में। अब स्पंज की मदद से मैं इस हाथों को जो है वो थोड़ा सा खुश्क कर रही हूं। हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्रीम जो है वो नाखूनों में जज्ब हो चुकी है, तो फिर मैं उन्हीं मैनीक्योर के टूल से इसको साफ करूंगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मैनीक्योर जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।